हेलो फ्रेंड्स, हम टॉपिक कर रहे हैं पार्टनरशिप, जो कि प्लस वन कॉमर्स बिजनेस स्टडी बुक का है। हमने इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, वो आप हमारी जो प्रीवियस वीडियोस इसके और टॉपिक्स की वीडियोस बनी हुई हैं, आप सारे टॉपिक्स वो जाकर देख सकते हैं। अगर देख लिया तो हम शुरू करते हैं। इफ़ द एरियाज ऑफ डिस्प्यूट से शुरू करना है हमने। इफ़ द एरियाज ऑफ डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट्स और सस्पिशन आर स्पॉटेड, कि मतलब अगर ये तीनों चीज़ें हैं जो मतलब डिस्प्यूट हो जाए या कोई झगड़ा हो जाए और सस्पिशन हो तो क्या होता है कि अर्लियर मतलब पता लग जाए एंड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग इज रीच दैन द बिजनेस कैन रन स्मूथली। कि ये तीनों चीज़ें हो जाए तो मतलब अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि जो बिजनेस है वो स्मूथली रन नहीं करेगा। सो पार्टनरशिप एग्रीमेंट और डीड इस डॉक्यूमेंट, वो डीड जो बनती है वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है टू एक्सप्लेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कि मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, सो दैट आर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, कि मतलब कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज किया जाए। इवन इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट, मतलब कोई भी झगड़ा हो जाता है लेटर ऑन, देन पार्टनरशिप डीड हेल्प्स इन इट्स अर्लियर सेटलमेंट, कि मतलब जो डिस्प्यूट हो जाए, कोई भी झगड़ा हो जाए, तो जो पार्टनरशिप डीड होती है वो उस चीज़ को कम करने की कोशिश करती है और उसकी जो सेटलमेंट है उसको करने की कोशिश करती है। आगे हमारे पास है मीनिंग। पार्टनरशिप डीड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप डीड है वो पार्टनरशिप के बेसिस पर बनती है। इट इंक्लूड्स ऑल इम्पॉर्टेंट क्लॉजेस लाइक नेम ऑफ बिजनेस, कि मतलब इसमें सारे इम्पॉर्टेंट क्लॉजेस होते हैं, मतलब जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सारे क्लॉजेस होते हैं, जैसे नेम ऑफ द बिजनेस, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, मोड ऑफ मैनेजमेंट एक्सेट्रा, मतलब सारा कुछ फॉर्म के लिए इस डीड को फिल करना पड़ता है। पार्टनरशिप इस डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द मैटर्स अकॉर्डिंग टू विच द म्यूचुअल राइट्स, कि मतलब जो पार्टनरशिप डीड है वो डॉक्यूमेंट है जो कि बताता है कि क्या क्या म्यूचुअल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं और लाइबिलिटीज़ हैं पार्टनर की इस कंडक्ट में, या फिर मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फर्म आर डिटरमाइंड, कि जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उसमें क्या क्या मतलब कि कौन से फंक्शन कौन रन करेगा, मतलब कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो सारी चीज़ मतलब एग्रीमेंट डीड में डिटरमाइन की जाती है। द पार्टनरशिप डीड कैन बोथ बी ओरल और राइटिंग, कि जो पार्टनरशिप डीड होती है वो ओरल भी हो सकती है और राइटिंग में भी हो सकती है। इन फ्रांस एंड इटली अ रिटन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स इज एसेंशियल टू बाइंड देम लॉफुली, कि फ्रांस और इटली में तो ऐसे है कि अगर रिटन एग्रीमेंट होगा तभी वो लॉफुल माना जाएगा, लेकिन जो इंडिया, यूएसए, ब्रिटेन द एग्रीमेंट में भी इधर ओरल, मतलब इसमें जो इंडिया, यूएसए जैसी कंट्रीज हैं उसमें क्या है कि अगर ओरल भी पार्टनरशिप डीड बनाने की कोशिश की जाए तो हो सकता है। आगे हमारे पास है कंटेंट्स, वो हम करेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।